का टॉपिक है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन कि जीन क्या होता है, व्हाट इज जीन। जीन कैन बी डिफाइंड एज स्मॉल पार्ट और सीक्वेंस और सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच हैव द एबिलिटी टू कोड फॉर ए फंक्शनल प्रोटीन व्हिच कैन परफॉर्म द एसेंशियल सेलुलर फंक्शंस ऑफ सेल्स। जीन डीएनए का एक स्मॉल पार्ट है, सीक्वेंस है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है। जीन की एबिलिटी होती है टू फंक्शनल प्रोटीन को परफॉर्म करे और आगे जाकर सेलुलर फंक्शंस का कैरी करे। आइए हम एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं कि मैंने ये तो ड्रा कर लिया है जीन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक सेल होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम कुछ कंडेंस फॉर्म में होता है और ये कंडेंस फॉर्म क्रोमोसोम को अगर हम ओपन करेंगे तो ये डीएनए दिखेगा और डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इसी छोटे पार्ट को जीन है, यही जीन है। और ये जीन क्या होता है, फंक्शनल प्रोटीन को परफॉर्म करता है और फिर आगे जाकर सेलुलर फंक्शंस को कैरी करता है। अब पढ़ते हैं पार्ट ऑफ जीन। जीन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट। जीन डिफरेंट पार्ट से बना होता है। फर्स्ट है प्रोमोटर, सेकेंड है कोडिंग सीक्वेंस और रीजन, थर्ड है टर्मिनेटर। फर्स्ट है प्रोमोटर। प्रोमोटर इज ए डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज प्रेजेंट एट स्टार्टिंग ऑफ जीन एंड टू विच सर्टेन एंजाइम्स और प्रोटीन बाइंड टू इनिशिएट जीन एक्सप्रेस। जानते हैं कि प्रोमोटर क्या होता है, क्योंकि जो प्रोमोटर होता है वो डीएनए में 5' फॉस्फेट ग्रुप हमेशा होता है, जो प्रोमोटर को कहा जाता है। जब जीन स्टार्ट होगा तो प्रोमोटर रीजन जानेंगे। प्रोमोटर रीजन जीन के स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर एंजाइम का और प्रोटीन का बाइंडिंग होता है। जीन एक्सप्रेशन को स्टार्ट कराएगा या स्टॉप कराएगा, यानी ऑन और ऑफ करने का काम प्रोमोटर करेगा और जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का काम प्रोमोटर का ही होता है, यही होता है प्रोमोटर। इन्हें कोडिंग सीक्वेंस और रीजन। कोडिंग सीक्वेंस और रीजन इज ए लॉन्ग स्टेज ऑफ डीएनए व्हिच कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस एंड इंट्रॉन, नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस। एक्सॉन रिस्पॉन्सिबल होता है कोडिंग सीक्वेंस के लिए, जो कि कोडिंग बनाता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इंट्रॉन। इंट्रॉन का कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है, क्योंकि ना ही ये कोडिंग सीक्वेंस होता है ना प्रोटीन की सिंथेसिस को कर पाता है। टर्मिनेटर। टर्मिनेटर इज ए डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ जीन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन। टर्मिनेटर। टर्मिनेटर डीएनए सीक्वेंस का एंड पार्ट होता है, जहाँ पर 3' और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। ये हमेशा 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जीन डीएनए का स्मॉल पार्ट होता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर सीक्वेंस जो कि जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ जीन। जैसा कि आपने ये देख रहे हैं, ये डीएनए का स्ट्रैंड है और ये है प्रोमोटर रीजन, जो डिवाइडेड होगा दो रीजन में और एंड में दो कैटेगराइज होगा। 5' फॉस्फेट ग्रुप हमेशा होता है फर्स्ट एंड में और सेकेंड एंड में 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। 1' फॉस्फेट ग्रुप को प्रोमोटर रीजन कहेंगे और 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप को टर्मिनेशन रीजन कहेंगे। प्रोमोटर रीजन वो ये रीजन होता है जिससे जीन स्टार्ट होता है। और जीन क्या होता है, जीन डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट होता है जो कंट्रोल करता है जीन के एक्सप्रेशन को। यह जीन एक्सप्रेशन को स्टॉप करेगा या स्टार्ट करेगा, यानी ऑन और ऑफ करने का इसी का काम है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट। ये ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग साइट है।
ये जो है टर्टल बॉक्स के नाम से या डबल सी डबल ए टी बॉक्स के नाम से जानेंगे, फिर सी जी रीजन के नाम से जानेंगे। आगे हम देखते हैं कि फाइव प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन यू टी आर होता है। फाइव प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन कब होता है और कब हमें दिखता है? जब मास्टर आरएनए की सिंथेसिस होती है तब हमें यू टी आर देखने को मिलता है। यहाँ पर आरएनए कोडिंग रीजन दिख रहा है। आरएनए कोडिंग रीजन में हम एग्जॉन इंट्रॉन देखने को मिलता है। और एग्जॉन जो होता है वो एग्जॉन का ये काम होता है कि प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है और कोडिंग कराता है। और इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, इसका कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है प्रोटीन को सिंथेसिस कराने के लिए। आप देख रहे हैं कि प्रोमोटर रीजन एंड हो रहा है और कोडिंग सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट से देखने को मिलता है। इनिशिएशन कोडॉन होता है और ये प्लस के नाम से जाना जाता है। एक्सोन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री और प्रोमोटर रीजन माइनस के नाम से जानते हैं। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट सीट से पहले का जो रीजन होता है वो अप स्ट्रीम कहलाता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट सीट के बाद का जो रीजन होता है वो डाउन स्ट्रीम कहलाता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये कोडिंग ए सीक्वेंस एंड हो रहा है तो यहाँ पॉली ए सिग्नल के नाम से जानते हैं। यहाँ बहुत सारे एडेनिन को ऐड कर दिया जाता है जो आरएनए में देखा जाता है। और टर्मिनेटर सीक्वेंस वो होता है जो स्मॉल सेगमेंट होता है डीएनए का और जीन एक्सप्रेशन को रोकता है और कोडिंग को रोकता है। हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन। प्रोकैरियोटिक जीन कंसिस्ट ऑफ प्रोमोटर कोडिंग सीक्वेंस और रीजन एंड टर्मिनेटर। एक प्रोकैरियोटिक जीन वो प्रोमोटर होता है। एक प्रोकैरियोटिक जीन में प्रोमोटर होता है, कोडिंग सीक्वेंस और रीजन होता है और टर्मिनेटर भी होता है। इन प्रोकैरियोटिक जीन ए सिंगल प्रोमोटर कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ मेनी जीन एंड दे आर स्टॉप और टर्मिनेट बाय ए सिंगल टर्मिनेटर। ये जो बहुत सारे जीन दिख रहा है ये सिंगल प्रोमोटर सीक्वेंस कहलाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जीन का ये प्रोमोटर सीक्वेंस दिख रहा है। यहाँ सभी जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। जीन के टर्मिनेटर सीक्वेंस उन सभी जीन को कंट्रोल करते हैं। ये प्रोमोटर रीजन है जिसके बाद बहुत सारे जीन हैं। ये जो पर्पल कलर का आप देख रहे हैं ये टर्मिनेटर है। प्रोमोटर सीक्वेंस के पास ट्रांसक्रिप्शन होगा जहाँ पर मास्टर आरएनए की सिंथेसिस होगी। वही प्रोमोटर सीक्वेंस उसी जीन का टर्मिनेटर उन सभी जीन को स्टॉप करता है। उसी को हम पॉलीसिस्टोनिक जीन के नाम से जानते हैं। जब मास्टर आरएनए की सिंथेसिस होगी तो हम 5 प्राइम यूटीआर देखने को मिलेगा। एक मास्टर आरएनए से डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक डीएनए से एक मास्टर आरएनए बना प्रोटीन बनी। हम डिफरेंस बता देते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्टोनिक जीन पाया जाता है और यूकैरियोटिक जीन में मोनोसिस्टोनिक जीन पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक जीन है इसमें मास्टर आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। इसमें सिर्फ एग्जॉन देखने को मिलता है जो कि कोडिंग बनाता है प्रोटीन की। इंट्रॉन नहीं देखने को मिलता है, इंट्रॉन नॉन कोडिंग होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है इसलिए इसमें स्पेशलाइज नहीं होती है। इसलिए ये ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है जो बहुत फास्ट होता है। यहाँ पर 5-UTR रीजन देखने को मिलता है। गैप का फॉर्मेशन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक जीन में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
जो ट्रांसक्रिप्शन से डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में बनता है और यूकैरियोटिक जीन में मास्टर आरएनए जैसे साइटोप्लाज्म में बना। डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो जाता है, यानी मास्टर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जीन। यूकैरियोटिक जीन कंसिस्ट ऑफ प्रोमोटर, कोडिंग सीक्वेंस, ओरिजिन एंड टर्मिनेटर। इन यूकैरियोटिक जीन ए सिंगल प्रोमोटर कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ओनली वन जीन एंड दे आर स्टॉप और टर्मिनेट बाय ए सिंगल टर्मिनेटर। When a single promoter and terminator control only one gene, then that gene is said to be monocystonic gene because master RNA found from these gene can encode for only one protein. Eukaryotic gene have intron then. अब हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक जीन में भी प्रोमोटर कोडिंग और प्रोमोटर कोडिंग सीक्वेंस और रीजन टर्मिनेटर देखने को मिलता है। और यूकैरियोटिक जीन ए सिंगल प्रोमोटर कंट्रोल्स, एक सिंगल प्रोमोटर सीक्वेंस सिंगल जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, उसी जीन का टर्मिनेटर सिंगल जीन को ही टर्मिनेट कर देता है या स्टॉप कर देता है। जबकि हम प्रोकैरियोटिक में हम पढ़ रहे थे कि सिंगल प्रोमोटर बहुत सारी जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा था, वो एक टर्मिनेटर टर्मिनेट कर रहा था। जबकि हम प्रोकैरियोटिक जीन में देखे थे कि सिंगल प्रोमोटर कई जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा था, यानी बहुत सारे जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा था। इसमें यूकैरियोटिक जीन में प्रोमोटर एक सिंगल प्रोमोटर सीक्वेंस सिंगल जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और उसी जीन का टर्मिनेटर सिंगल जीन को टर्मिनेट करता है, एक टर्मिनेटर टर्मिनेट कर रहा था। और यूकैरियोटिक जीन में एक्सॉन और इंट्रॉन देखने को मिल रहा है और मास्टर आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, इसमें 5' गैप प्रेजेंट होता है और पॉली ए टेल भी प्रेजेंट होता है। आरएनए की प्रोसेस के दौरान इंट्रॉन रिमूव हो जाता है, ये स्पेशलाइज्ड हुआ। जब मास्टर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ तो 5' गैप देखने को मिला और पॉली ए टेल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस भी बनी है। ये एक तरह के जीन है, सिमिलर जीन है, यानी कि इसमें सिमिलर प्रोटीन कोडिंग का फॉर्मेशन हुआ है, एक प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। जबकि हम प्रोकैरियोटिक में देखा था बहुत सारे जीन थे, यानी कि बहुत सारे कोड का फॉर्मेशन हो रहा था, प्रोटीन कोड का बहुत सारे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा। यहाँ पर सिंगल प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, इसलिए वहाँ पर पॉलीसिस्टोनिक जीन के नाम से जानते थे और यहाँ पर मोनोसिस्टोनिक जीन के नाम से जानेंगे। जब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, फाइनली प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है।